हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मसल्स बिल्डअप की विद द हेल्प ऑफ वेजिटेरियन डाइट। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, यानी कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो ये डाइट प्लान आपके लिए ही बनाया गया है। इस डाइट प्लान के अंदर हम आपको बताएंगे कौन कौन से फूड आप खा सकते हैं, क्या खाना आपको खाना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नेचुरली वेट गेन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इजीली विदाउट नॉन वेज अपनी मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। यह आपका मिथ है कि सिर्फ नॉन वेज खाने वाले लोगों का ही वेट जल्दी से बढ़ता है। आपको बता दें कि वेजिटेरियन डाइट को खाकर ही पहलवानों में से, यानी कि दारा सिंह और सुशील कुमार जैसे पहलवानों ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, जिसे आप भी फॉलो करके अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, अपनी हेल्थ और अपनी मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में 400 ग्राम नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि फिश, बीफ आदि, तो आपको उसमें से 90 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं अगर आप पूरे दिन सिर्फ अंडे खाते हैं, तो आपको हर अंडे में से 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार जब आप वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट के भी बहुत सारे सोर्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। मिल्क, सीरियल्स यानी कि दालें, पनीर, टोफू आदि में से आपको बहुत सारा प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। आपको 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1400 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं आपको 210 ग्राम प्रोटीन से 840 कैलोरीज मिलती हैं और 63 ग्राम फैट से आपको 560 कैलोरीज मिलती हैं। वेट गेन डाइट में आपको सुबह 7 से 8 के बीच में चाय पीनी है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद 8 से 9 के बीच में आप ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें 2 रोटी, 1 कप मिल्क या टी और पनीर खाएंगे। स्नैक्स जो कि आप 11 से 12 बजे के बीच में करेंगे, इसमें 100 ग्राम पनीर, 2 बनाना और 1 कप मिल्क पियेंगे। लंच में जो कि आप 2 से 3 बजे के बीच में करेंगे, आप जो भी सब्जी बनी है, हाफ हाफ कप सब्जी, सैलेड, दही, 2 चपाती जो कि नारियल का तेल या देसी घी में बनी हो। इसके बाद 5 बजे आपको स्नैक्स लेना है, जिसमें दलिया, बादाम, किशमिश और 1 कप दूध पीना है। डिनर में आप काले चने या जो भी हेल्दी सब्जी आपके घर में बनी है वो लें, सैलेड लें, अदरक लहसुन लें, पनीर जो कि आपको 200 ग्राम लेना है, 2 चपाती या फिर राइस खा सकते हैं। वर्कआउट जो भी आप सुबह या शाम को करें, उसमें बनाना शेक या फिर वे प्रोटीन ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।